दोस्तों, आज हम संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी होती है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी प्रकार 100 तक जो भी काउंट होगी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और सम संख्या होती है हमारी 2 होती है जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, यानी 2 से, जैसे कि 2 से भाग होने वाली संख्या 2 होगी 4, 6, 8, 10, 12, इसी प्रकार 100 तक जो भी संख्या आएगी, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित यानी भाग हो जाती है वह सम संख्या होती है। इसी प्रकार अब हम विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। विषम संख्या विषम संख्या में होती है जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे कि 2 से भाग 1, 3, 5, 7, 9, जैसे कि इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 आ रहा है, ये सम संख्या होगी। और 1, 3, 5, 7, 9 यानी इसमें से कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं हो रही तो ये विषम संख्या कहलाएगी हमारी, जैसे कि 11, 13, 15, इसी प्रकार हमारी विषम संख्या कहलाती है ये, यानी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती होती वह विषम संख्या होती है, वह विषम संख्या होती है। पूर्णांक संख्या हमारी माइनस की भी होती है, यानी माइनस, जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार, यानी पूर्णांक में माइनस की और प्लस की दोनों संख्या आती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0, जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, और पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी प्रकार। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो वह भाज्य संख्या है।
यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या हो जो स्वयं एक, एक से तो होती ही है और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, वह जैसे कि, जैसे 10 है हमारे पास, तो 10 एक से, यानी एक से तो विभाजित हो ही रहा है, एक से भाग हो रहा है और स्वयं से भी हो रहा है, देखो स्वयं से भी हो रहा, 10 एकम 10, एक के पहाड़े में भी आता है 10, और बीच में कितने से भाग हो रहा है, 2 से और 5 से, यानी एक से और 10 के अलावा, ये देखो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, यानी एक और स्वयं, ठीक है, इन दो संख्या से भी विभाजित हो रहा है इन दो के अलावा, तो वह क्या है, हमारी भाज्य संख्या होती है। जैसे कि 4 है हमारे पास, तो 4 एक से भी विभाजित होता है, 2 से भी होता है भाग और 4 से भी, यानी एक से और स्वयं से, 4 एकम 4 के अलावा 2 से विभाजित हो रहा है, तो वह क्या होगी, भाज्य संख्या। तो इसी प्रकार जैसे कि हमारे पास 20 है, तो एक से होता है और 2 से भी हो रहा है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 10 और 20, यानी एक और स्वयं के अलावा देखो कितनी सारी संख्या से क्या हो रहा है, भाग होती है संख्या, तो ये क्या हो गया, हमारी भाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है, वह भाज्य संख्या होती है।